द इनविजिबल मैन चैप्टर 15 हिंदी समरी। शाम का वक्त था। डॉक्टर कैंप अपने घर की खिड़की के पास बैठे हुए बाहर के नज़ारे का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि मिस्टर मार्वल पहाड़ी से पागलों की तरह दौड़ते हुए नीचे आ रहे हैं। कैंप ने सोचा कि वह कोई बेवकूफ़ डरपोक इंसान है जो अदृश्य आदमी वाली कहानी पर यकीन करता है। उन्होंने मार्वल से ध्यान हटा लिया और अपना काम शुरू कर दिया। पर जो लोग मिस्टर मार्वल के पास थे उन्हें लगा जैसे सच में कोई चीज़ उनका पीछा कर रही है और लोगों ने समझ लिया कि वह अदृश्य आदमी ही है। चैप्टर 16। मिस्टर मार्वल दौड़ते दौड़ते जॉली क्रिकेटर नाम के सराय में घुस गए। तब तक वहाँ सब कुछ ठीक था, पर मिस्टर मार्वल के घुसते ही वहाँ का माहौल बिगड़ गया। हर तरफ चीख पुकार होने लगी। मिस्टर मार्वल बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। वह जानते थे कि अदृश्य आदमी उन्हें मार ही डालेगा। वहाँ के लोग बहुत बहादुर थे और उन्होंने मिस्टर मार्वल की मदद की। दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई और खिड़की टूट गई। वहाँ के पुलिस वाले को अफसोस था कि उसके पास डंडा नहीं है। एक काली दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बंदूक निकाल ली और एक ही झटके में लड़ाई शुरू हो गई। हर तरफ चीख पुकार थी। तभी अदृश्य आदमी ने मिस्टर मार्वल को पकड़ लिया, पर काली दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उस पर गोली चलाने लगा। अदृश्य आदमी मिस्टर मार्वल को रसोई में खींच लाया। तभी एक कैबमैन ने अदृश्य आदमी की कलाई पकड़ ली और पुलिस वाले ने उसका पैर पकड़ लिया और इससे वह बहुत तेज डर गया और चीख पुकार करके भागने लगा। उसके भागने की दिशा में काली दाढ़ी वाले व्यक्ति ने 5 गोली चला दी और ऐसा लगा जैसे कि गोली अदृश्य आदमी को लगी गई हो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड